सब लोग बॉम्बे से है ना, कोई ट्रैवल करके आए? भाई भाई भाई, कहां से? तलोजा। तलोजा, अच्छा आज पूछ लिया कि कोई ट्रैवल करके आया तो तलोजा अलग हो गया, वरना इनके गांव वाले पूछते होंगे ना कहां रहते, हम बंबई रहते हैं। ये कोकनी लोग क्या बनाते सबको। कोकनी है तुम लोग। बिग बॉस 2017 दे जेतु मुनव्वर फारूकी एक बार फिर तो विवादां दे विच आ गए ने। दरअसल दस दिए कि उन्हां दी इक वीडियो सोशल मीडिया दे उत्ते काफी तेजी नाल वायरल हो रही है, जिस दे विच ओह कोंकणी लोकां दे बारे कुछ गलत लफ्ज वरत रहे ने। ता जिवें ही ये वीडियो वायरल हुई ता उस तो बाद शिव सेना दे कुछ आगुआं दे वल्लों इस नूं लैके सख्त प्रतिक्रम दित्ता गया। इस दे नाल ही उन्हां ने कहा कि जेकर मुनव्वर फारूकी ने माफी ना मंगी ता उस दे खिलाफ बनदी कारवाई कीती जावेगी। ता जिवें ही ए वीडियो उन्हां दी वायरल हुंदी है ता उस तो बाद मुनव्वर फारूकी जो है वो हरकत दे विच आउंदा है अते उस दे वल्लों हुण सोशल मीडिया दे उत्ते आके माफी मांग ली गई है। उसका कहना है कि उसका काम सिर्फ लोकां नूं हसाउणा सी, किसे नूं भी तंग परेशान करना नहीं सी, किसी दीआं भी भावनावां नूं ठेस पहुंचाउणा नहीं सी। जेकर किसे नूं पहुंची है ठेस तां उह इस दे लई माफी मंगदा है। दस दिए कि मुनव्वर फारूक बिग बॉस 2017 सीजन दा जेतू रहा है ते इस दे नाल ही ओ एक मशहूर कॉमेडियन भी है। ते इसे दौरान दस्या जा रहा है कि जदों कॉमेडी करन दे लई पहुंचदा है उत्थे कुछ कोंकणी लोकां नूं लै के गलत टिप्पणी कर दिंदा है ते इस तों बाद इह वीडियो वायरल हो जांदी है। सो हाय दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करने आया था, एक्सप्लेन करने भी आया था। और एक कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली। और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज लोगों के लिए, कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है, कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया है। तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूंगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज मेरे मुंह से निकली, लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोग हर्ट हो रहा है और मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। मैंने जिस पे जोक किया था उन लोग ने भी बहुत एंजॉय किया था और शो पे भी बहुत सारे सब लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सब लोग थे। बट अब इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज आती है और ऐसी चीज हमारे सामने आती है तो पता चलता है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं आप सबसे दिल से माफी मांगता हूं।